और अगर सरकार जबरदस्ती करे तब चाची? अरे जबरदस्ती करी तो जनता के मुँह के ले ली जी भरना दे। सरकार तो आजमगढ़ हवाई अड्डे को इंटरनेशनल एयरपोर्ट में बदलने के लिए करीब 670 एकड़ जमीन का एक्वायरमेंट किया जाना है और जो एक्वायर करने का काम है वो शुरू भी हो चुका है। एडीएम प्रशासन का कहना है कि 80% लोग इस बात पर राजी हैं अपनी जमीन को एयरपोर्ट के लिए देने के लिए, वहीं 20% लोग इसके लिए अभी राजी नहीं है। जबकि जनता का क्या कहना है, जनता का क्या कहना है ये देखने के लिए हम गांव में जाएंगे और जनता की राय को जानेंगे कि जनता आखिर में चाहती क्या है। क्या सच में 80% जनता ये चाहती है कि एयरपोर्ट के लिए जमीन दे दी जाए? तो एयरपोर्ट की जो भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई थी उसको लेकर जो भी दावे किए जा रहे हैं उसकी सच्चाई जांचने के लिए हम एक बगल के ही गांव में आए हुए हैं। गांव का नाम बताएंगे भैया क्या? रिशनपट्टी ग्राम सभा है हमारी। यहाँ पे 100% कोई भी गाँववासी भी गाँव ग्राम के जनता लोग कोई भी ये राजी नहीं है जो अपनी जमीन देने के लिए। यह केवल SDM आए थे बट यहाँ की जनता कोई राजी नहीं है। वह फर्जी दिखाया जा रहा है जो 80% लोग दिखा रहे हैं कि लोग जनता राजी है। यहाँ की एक भी जनता राजी नहीं, अपनी जमीन छोड़ने के लिए राजी नहीं है और यह जनता अपनी जान दे देगी बट अपनी जमीन नहीं छोड़ेगी। भूमि अधिग्रहण के आगे की बात करने के लिए एक मीटिंग भी हुई थी, कुछ लोग उसी मीटिंग से वापस आए हुए हैं। भैया आपका नाम क्या है? हमारा नाम संदेश यादव है। तो आप क्या ये बता सकते हैं कि आप जनता क्या चाहती है इस गांव? जनता ये चाहती है कि हम लोग यहाँ पे कई पुश्तों से रह रहे हैं, ये हमारी जमीन और मकान जब चला जाएगा तो हम लोग बेघर हो जाएंगे। तो इसके बदले में मुआवजा देने के लिए क्या सरकार का क्या हम लोग को मुआवजा नहीं चाहिए? मुआवजा लेकर कहाँ रहेंगे? अगर एक पक्षी एक पौधे पर अपना घोंसला बनाकर रहती है, पूरा दिन इधर उधर चारा के तलाश में जाती है, शाम को अपने घोंसले में आती है। हम लोग उसी तरह से अपना काम करके और शाम को अपने मकान में आते हैं। क्या मांग क्या है यहाँ? मांग यही है कि एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट रहे, इंटरनेशनल की जरूरत नहीं जी। और हम लोग अपना भूमि छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। और गदनपुर रिछनपट्टी ही नहीं, 7 गांव प्रभावित हो रहा है जी। कुछ गाँव के नाम की लिस्ट मिली थी जिसमें गंदरापुर भी शामिल था, देवबल मंदिरी भी था, रिछनपट्टी, बलदेव मंदिरी, कंधरापुर और साथी है, सारा है, कुआ देवचन पट्टी है, मधुबन है, ये सब और कंधरापुर पूरा मार्केट प्रभावित हो रहा है। किसी गांव के लोग राजी हैं? किसी गांव के नहीं राजी है। और अगर सरकार जबरदस्ती करे तब चाची? अरे जबरदस्ती करी तो जनता के मुँह के ले ली जी भरना दे। सरकार तो पैसा दे ज्यादा भर दे घर चाहिए ना। दूसर गांव में घर मिला तब नहीं ना जी। अरे का सतना पुतना तिहा हाँ। आ जाए वहाँ अधवा बने गांव का विकास हो जाए, बगल में इंटरनेशनल एयरपोर्ट रही, दुनिया भर से जहाज आई, विकास ना चाहिए। तो क्या चाहिए आपको? क्या चाहते हैं? कुछ नहीं चाहिए। आपको अपना गांव चाहिए? हमने कि मैं अपना गांव चाहिए, अपना घर दुआ चाहिए, यदि बेटी बेटा हमने करा। तो अगर सरकार किसी तरह की जबरदस्ती करती है जमीन को लेने के लिए तो क्या करेंगे आप लोग? मतलब जान दे देंगे लेकिन अपनी जमीन और आबादी की जगह नहीं देंगे।